పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చేద్దాం. Introducing the House, the new Secretary General, Sri P.C. Modi. Sri Modi joined the Indian Revenue Service in 1982 and held various important positions in the Government of India, including Principal Chief Commissioner of Income Tax, Ahmedabad, Mumbai. Sri Modi also served as a member of Central Board of Taxes and went on to serve as the Chairman of the Central Board. During his tenure as Chairman of Central Board, he encouraged and promoted extensive use of technology in Income Tax Department and constant upgrading of systems culminating into introduction of faceless assessment and a faceless appeal scheme, as well as other projects leading to drastic reduction in time taken for processing of income tax returns and issuance of refunds. Sri Modi has deep insights into jurisprudence and exposed to judicial and quasi-judicial process, having served for nearly 40 years in Government of India. He assumed charge of the Office of Secretary General, Rajya Sabha, on 12th November. He is an avid traveller and also photophile and music lover. I welcome Sri P.C. Modi and wish him good luck. Oath of affirmation. Secretary General. Maharashtra, Shrimati Rajni Ashok Rao Patil. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटील राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन. जय हिंद. Tamil Nadu, Shri M. Muhammad Abdullah. मैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता या अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा. भारत माता की जय. दर्शकगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे पूर्व आठ पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है. श्री बी सेन बुट्टुवन 16 लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. वे सरकारी उपकरण संबंधी संसदीय समिति, उद्योग संबंधी समिति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे. श्री बी सेन गुट्टुवन का निधन 65 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2021 को वेलूर में हुआ था. श्री कल्याण सिंह चौधरी 15वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने क्रमशः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. वे ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति तथा रक्षा संबंधी समिति के सदस्य रहे. श्री कल्याण सिंह जी 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे.
श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, दो बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। श्री कल्याण सिंह जी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री कल्याण सिंह जी का निधन 89 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री आस्कर फर्नांडिस जी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति के सभापति, सभा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। श्री आस्कर भट्ट फर्नांडिस जी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य थे। श्री फर्नांडिस जी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव रहे। श्री आस्कर फर्नांडिस जी का निधन 80 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 2021 को मंगलूर में हुआ। गोदिल प्रसाद अनुरागी जी 7वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के विलासपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व श्री अनुरागी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी का निधन 89 वर्ष की आयु में 19 सितंबर 2021 को विलासपुर में हुआ। श्री श्याम सुंदर सोमानी 6वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री श्याम सुंदर सोमानी का निधन 86 वर्ष की आयु में 26 सितंबर 2021 को चित्तौड़ में हुआ। श्री राज नारायण बुदोलिया 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बुदोलिया उद्योग संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। राज नारायण बुदोलिया का निधन 60 वर्ष की आयु में 10 अक्टूबर 2021 को हमीरपुर में हुआ। श्री देवव्रत सिंह 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे रसायन उर्वरक समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे तथा 2 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे। श्री सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य भी थे। श्री देवव्रत सिंह का निधन 52 वर्ष की आयु में 4 नवंबर 2021 को राजनंदगांव में हुआ। श्री हरि दानवे पुंडलिंग 6वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने महाराष्ट्र के जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री हरि दानवे पुंडलिंग का निधन 84 वर्ष की आयु में 1 नवंबर 2021 को औरंगाबाद में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिग्गत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। ओम शांति। आइटम नंबर 3 प्रश्नकाल, प्रश्न संख्या 1 श्री रामदास तड़स। कंडीशन डिस्कस करना देना होगा सर, फार्मर का कंडीशन डिस्कस करना। मंत्री जी महोदय, माननीय सदस्यों और सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका पूरा उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य माइक चालू है। यह हिंदी विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के साथ सभी शिक्षण संस्था के आंतरिक क्लास। माननीय सदस्य, सदन का पहला दिन है,
देश की जनता चाहती है सदन चले, आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बनाए रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।